ॐ शनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। क्लास शुरू करने के पहले कल के क्लास की एक बात बतानी है। तीसरे मंत्र का भाष्य पर जाएं और तीसरे मंत्र के भाष्य में जरा ढूंढिए आप लोग। मैंने जो पांच प्रकार के अर्थ बताए थे आचार्य ने देवात्म शक्ति के, उसमें जो पांचवा अर्थ बताया हुआ है वह लाइन अगर आप पढ़ेंगे उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन शुरू से पढ़ता हूं। अथवा देवात्मनो द्योतनात्मना प्रकाश स्वरूपस्य ज्योतिषाम ज्योतिरूपस्य प्रज्ञान घन स्वरूपस्य परमात्मनो जगद उदय स्थिति लय नियमन विषयाम शक्तिम सामर्थ्यम अपश्यनीति स्वगुणे स्वेष्टिभूते सर्वज्ञ सर्वेश्वरितृत्व आदि वीर निगूढ़ तत्तद् विशेष रूपेण अवस्थितत्वात् स्वरूपेण शक्तिमात्रेण अनुपलभ्यमाना तथा च मानांतर वेद्यां शक्तिम दर्शयिष्यति। कल हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि मानांतरा होगा यानी मानांतर अवेद्यां होगा, अर्थ में तो हिंदी अनुवाद में तो क्या है वैसा अवेद्याम के रूप से, पर यह मानांतर वेद्याम है और हमारे सारे संस्करणों में वही मिल रहा था। मेरे पुरानी पुस्तक जिनके पास है, एक श्रोता के पास, उसमें मिला हमको कि मैं जब पढ़ रहा था हमारे गुरुजी शिवतन जी जब हमें पढ़ा रहे थे तब उन्होंने ये करेक्शन बताया था और यहाँ पर मानांतरा ही है, वहां पर ऐसा स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है मानांतर। ये देखिए कृष्ण मानांतर क्या है और ऊपर मार्जिन में उसको स्पष्ट रूप में समझाया मानांतर प्लस अवेद्या। तो गीता प्रेस के सारे संस्करणों में वो गलती है। अच्छा लोगों को दिखा दें। हाँ दिख रहे क्या लोगों को? दिख रहा होगा यहाँ मुझे तो नहीं, तो ब्लैंक हो जाता है। मानांतर अवेद्याम है वो, मार्जिन में ऊपर मानांतर प्लस अवेद्याम लिखा हुआ है। ये जब शिव तत्व ने हमें पढ़ाया था तो उन्होंने ये करेक्शन बताया था, क्योंकि अर्थ हिंदी में जब दिया है वहां पर तो अवेद्यम करके ही अर्थ दिया है। तो उसका इतना अर्थ हुआ कि शक्ति जो है वो इसी प्रमाण के द्वारा नहीं जानी जाती, दूसरे माने ध्यान के द्वारा जान लिया था उन्होंने, ध्यान योग के द्वारा उन्होंने शक्ति को देख लिया था। और वो जो सगुण निगुणम क्यों बोला है कि वो दूसरे किसी प्रमाण से नहीं जानी जाती, ये उसका भाष्य था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कल चतुर्थ मंत्र का इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया था लंबा चौड़ा, कि भगवान जो है जगत चक्र जो चला रहे हैं उसका वर्णन यहाँ पर है, यानी माया कितने रूप से हमारे जीवन में फंक्शन करती है
ये इसमें वर्णन है। जो देवात्म शक्ति है सगुण निर्गुणम, वो किस तरह से निर्गुणम है और हमारे जीवन में कितने किस्म से वो कार्य करती है, कितने किस्म से हमको नचाती है, ये इसमें वर्णन है। और हम लोग मंत्र दोबारा पढ़ते हैं, तमेक नेमिम त्रिवृतम षोडशान्तम शतार्धारम विंशति प्रत्यराभि अष्टकै षड्भिर् विश्वरूपै कपाशम त्रिमार्गभेदम द्विनिमित्तैकमोहम। इसमें अभी कोई क्रियापद न होने के कारण इसमें हमको पिछले मंत्र में जो अपश्यन था उसको जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने देवात्म शक्ति को जो देखा निसगुण निर्गुण, तो ये देवात्म शक्ति का वर्णन है सगुण निर्गुण, इसको उन्होंने देखा। और नहीं तो यहां पर आचार्य ने इंट्रोडक्शन भाषण में दो मंत्रों का एक साथ बोला है कि इस मंत्र में चक्र रूप से, अगले मंत्र में नदी रूप से, तो इसलिए उस मंत्र को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसमें अंत में बोला है अवश्य कभी लंबा चले गए। अधिमा शब्द है उसमें, अंतिम शब्द है अधिमा, माने हम लोगों ने जाना। अधिमा बहुवचन है तो हम लोगों ने जाना, वो लोग बहुत लोग है ना साधक, सबने ध्यान करके पा लिया था, इसलिए कह रहे हमने ऐसा जाना। आचार्य के भाषण में से ही बोल रहा हूं मैं कि दो प्रकार से यह अर्थपूर्ति होती है। इस चौथे मंत्र में क्रियापद न होने के कारण क्रियापद लगाना पड़ेगा, तो या तो तीसरे मंत्र का कंटिन्यूएशन समझ करके अपश्यत यही क्रियापद चलेगा, और नहीं तो अगले मंत्र का जो क्रियापद है वो लगाओ, अगले मंत्र में अधिमा है कि हमने जाना। ठीक है, अब ये क्या जाना उन्होंने, उस एक नेमी तीन वृत्त 16 अंत 50 अरों 20 प्रति अरों 6 अष्टकों विश्वरूप एक पाश तीन मार्गों तथा पाप पुण्य दोनों के निमित्त भूत एक मोह वाले कारण को द्विनिमित्त एक मोह उन्होंने देखा। वे क्या है सब सुनो, तम एक नेमी हाँ तम एक इति या एक कारणानी निखिलानी अधितिष्ठति तम एक नेमी, जो बताया था कि जो सारे कारणों के रूप में है वही एक, वो कैसा है एक नेमी नेमी अर्थात संपूर्ण कार्य वर्ग का आधार। चक्र जो होता है ना बताए ना रिम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, गोलाकार स्टील का मान लो लकड़ी का मान लो वो नेमी, तो वो पूरे चक्र का आधार है, अंदर स्पोक्स नाभि ये सब जो कुछ है उसका वो आधार है, वो एक नेमी उसकी। वो नेमी क्या है, योनि है कारणम, वो योनि है यानी कारण है सबकी, किसकी अव्याकृत, अव्याकृत मैंने आकाश से भी जो सूक्ष्म है, आकाशम परम व्योम, नहीं आकाश को ही अव्याकृत बोला है, परम व्योम बोला है उसको, माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, शक्ति कहते हैं, तमोगुण कहते हैं, अविद्या कहते हैं, छाया कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, अनुत मन मिथ्या कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, इति एवं आदि शब्द ही अभिलप्य माना। उनको समझा रहे हैं
पूछते ना हम कि माया मैंने क्या विद्या मैंने क्या, इतने शब्दों से एक ही चीज बताई जाती है, इतने शब्दों से अव्याकृत कहते हैं उसको, मैंने अभी प्रकट नहीं हुआ है कुछ, उसी को आकाश कहते हैं सबसे सूक्ष्म रूप, उसी को परम व्योम भी कहते हैं आकाश को, यानी स्थूल आकाश सूक्ष्म आकाश नहीं इसलिए परम व्योम, उसी को माया कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को शक्ति कहते हैं, उसको आवरण कहते हैं तम, उसी को अविद्या कहते हैं, भगवान की छाया कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, अनृत कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, इति एवं आदि और भी कई शब्द होते हैं, आदि शब्द अभिलप्त माना, मैंने ये नाम जिसको दिए जाते हैं वो एका कारणावस्था नेमी रिव नेमी सर्वाधार, वो सारी दुनिया की कारणावस्था, इसलिए उसको नेमी के समान नेमी कह दिया, सबके आधार है, इसलिए यस्य अधिष्ठातृ अद्वितीयस्य परमात्मना तम एक नेमी, वो जिस अद्वितीय परमात्मा की है, ये नहीं है तम एक नेमी जो चल रहा है ना, ये परमात्मा के विशेषण रूप में चल रहा है, वो एक नेमी, एक नेमी बहुरेश, जिसकी एक नेमी है वो ऐसा, इसलिए ये जिस परमात्मा की है वो एक नेमी कह रहा है। अब वो त्रिवृतम है, तीन उसपे रिम के ऊपर रबड़ तीन लगा दिए हमने, रबड़ के ऊपर तीन ऐसे लगा दिए, तीन क्या है सत्व रजतम गुण, ये आचार्य भाष्य के बिना कुछ नहीं समझा जा सकता, 25 क्या 50 क्या 6 क्या, तो त्रिवृतम त्रिवी सत्व रजस तमो भी प्रकृति गुणैर्वृतम, वृतम माने कवर, आवृतम जिसको हम कहते हैं ना कवर, वो नेमी नहीं दिखते ना, उसके ऊपर रबड़ लगाते हैं, ये तीन रबड़ वाली। अब उसके बाद है 16 क्या है, षोडशांतम, षोडश को विकार, यानी वो जो महत या व्याकृत है ना, उससे 16 विकार निकले, कौन से, पंचभूतानी एकादशी इंद्रियाणी, ये शंकर भाष्य नहीं है, दोबारा बताता, शंकराचार्य मन को इंद्रिय मानने को तैयार है, कहते एकादशी का अर्थ है 10 इंद्रिया और मन, मन को इंद्रिय मानते हो, ठीक है, मानते कुछ लोग नहीं मानते, तो यहाँ कह रहे हैं कि पंचभूतानी मैटर और एकादशी इंद्रियाणी, अंतो अवसानम विस्तार से समाप्ति, यानी षोडशांतम बोला है ना, अब ये सत्वरजतम से निकला है, निकलते निकलते वहां तक है, इसका षोडशांतम 16 एंड साइंस के, वो चाक के भीतर 16 क्या होंगे, पॉइंट्स लगे होंगे कहीं, इसलिए 16 अंत है, 16 अंत है, मैंने पंच हमारी इंद्रिया, फिर पंच हमारे महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और मन, ये सूक्ष्म व्यापार है ना सारा, सूक्ष्म व्यापार इससे और क्या है बताओ, इसके ऊपर नहीं है, पंच प्राणों को भी गिनते वो उसी के रूप हो गया इंद्रियों का, मन है सूक्ष्म, पंच तत्व सूक्ष्म है और उनसे बने हुए 5 इंद्रिय, कर्म इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और मन, ये 16 उसके प्रकृति के महत्व, इतनी जो नाम बताए उसके एंड पॉइंट्स हो गए। अंतो अवसानम विस्तार समाप्ति यस्य आत्मना, आत्मा के जो प्रकटीकरण है दुनिया में इसका ये एंड पॉइंट है, तम षोडशांतम, इसलिए आत्मा को षोडशांत कहा गया, अथवा 16 है ना, 16 जहां मिल जाए वहां लगाओ, अगर प्रश्न को निषेध में 16 कला बोली थी ना, वो हो सकता है अंत, मैंने ब्रह्म से जो निकला याद है मुंडक का,
श्रद्धा प्राण श्रद्धा कर्म ऐसा है ना उसमें, वो है 16 एंड पॉइंट्स। अथवा प्रश्नोपनिषदि यस्मिन् नेता षोडश कला प्रभवन्ति इति आरभ्य स प्राणमसृजत प्राणाश्रद्धा इत्यादि न प्रोक्ता नामांता। आखिर इसमें नाम है, लोग बनाए और लोगों में आदमियों के नाम बनाए। नामांता षोडश कला अवसानम यस्य इति, ये एंड पॉइंट है उसके। अथवा दूसरा अर्थ कहा से, दूसरा अर्थ है एक नियमी से दूसरा अर्थ, एक नियमी इति कारणभूत व्याकृत अवस्था वेता तत्कार्य समष्टिभूत विराट सूत्र द्वयम्। अब अव्यक्त तो ये हो गया आधार, उससे अब जो निकला उससे क्या निकला, हिरण्यगर्भ निकला और विराट निकला, है ना मांडुक्य के अनुसार। तो हिरण्यगर्भ को नाम सूत्रात्मा भी है ना, तो सूत्र और विराट ये दो हो गए, 16 गिनने भी हमको, इससे क्या क्या निकला। यद वेष्टिभूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि, अब इसी के जब डिवीजन हुआ वेष्टिभूत माने इंडिविजुअल्स बने तो 14 भुवन बने। हिरण्यगर्भ और वैश्वानर से इंडिविजुअल्स बने, इंडिविजुअल्स को रहने के स्थान चाहिए, 14 भवन बने, तो ये 16 हो गए, वो 2 और 14, इनसे भी जोड़ जाड़ के लगाना है, 16 देखना है हमको, नहीं बाद में मजा आएगी, अभी चले जाओ। अंतो अवसानम यस्य प्रपंचात्मना अवस्थित तस्य तुम छोड़ो। ब्रह्म जब प्रपंच के रूप में है तो ये उसके 16 एंड पॉइंट्स हो गए। शतार्धारम यहां से आएगा, शत अर्ध माने पंचाश, पंचाशत प्रत्यय भेदा, प्रत्यय माने हमारे अनुभव, 50 प्रकार की माया, विपर्यय मैंने उल्टा समझना या शब्दों का अर्थ मान लेना विपर्यय, हमें घुमाने वाला चक्र है ये, अशक्ति, ये मैं नहीं कर पाता वो भी नहीं कर पाता, ये हमें घुमा रहा, तुष्टि मैं इसमें सेटिस्फाइड हूं चक्र के, सिद्ध्याख्यान सिद्धि नामक 50, ये सिद्धि 50 गिराएंगे और भी। अरे इव यस्य तम शतार्धारम, 50 स्पोक्स है उसमें, सिद्धि माने मैं ये कर पाता हूँ मैं वो कर पाता हूँ, ये 50 प्रकार वो चक्र घुमा रहा, नहीं कर पाता माया घुमा रही, कर पाता हूँ माया घुमा रही, ये 50 प्रकार के। तो क्या क्या बताया था लिख लो तुम, काउंट काउंट कहाँ लिखोगे। 50 में उन्होंने बोला था विपर्य अशक्ति तुष्टि और सिद्धि, विपर्य अशक्ति तुष्टि और सिद्धि, विपर्य गिना रहे हा? तमो मोह महामोह तामिश्रो अंध तामिश्र इति, माने हम नहीं देख पाते, मोह है हमारा महामोह है,
डार्कनेस, वेरी डार्कनेस है। तमिश्रो अंधतमिश्र कितने हो गए, तमो मोह महामोह तमिश्र अंधतमिश्र, ये पांच हो गए, पंच वहां लिखा ही है, पंच विपर्य बेटा, विपर्य माने उल्टा उल्टा समझना, ये पांच प्रकार का हो गया। अब अशक्ति नहीं कर पाना, अष्टाविंशति था, अट्ठाईस है, नहीं कर पाना अट्ठाईस किस्म का। अरे गिना ही नहीं अभी, खाली संख्या गिनाते जा रहे। तुष्टि नवधा, तुष्टि नौ प्रकार के है, अष्टधा सिद्धि, अष्ट सिद्धि हो गए, नौ और आठ सत्रह, और ये अट्ठाईस और सत्रह पैतालीस, और पांच पेपर है, ऐसे पचास है ये। अरे माने स्पोक्स, जिनके सारे चक्र चलता है वो हमारे जीवन में पचास है, तत्र बताएंगे। तमसो भेदो अष्ट, बापरे अभी पचास के बाद आठ आए थे क्या? नहीं, वो आठ वाला तो बहुत बाद में आ रहा है। अब ये पंचायत के सब डिविजन सुनो, तम के भेद आठ किस्म के, आठ प्रकार की प्रकृति जो अनात्मा है उसमें आत्म प्रतिपत्ति विषय भेदेन अष्ट विधत्व प्रतिपत्ति है। विपर्य, विपर्य, विपर्य को हम कहेंगे उल्टी प्रतिपत्ति, मैंने उल्टा जानना, उल्टा जानना आठ प्रकार का है। आठ प्रकार की जो प्रकृति है, मैंने आठ प्रकार का चीजों का स्वभाव है उसको उल्टा देखना, आठ प्रकार के अनात्मा है उनको आत्मा मानना, अष्ट विधत्व प्रतिपत्ति है। अभी आठ प्रकार के जो हमारे मालूम है ना, अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टता, उसको आत्मा मान लेना, ये विपर्य है। पहला ये विपर्य है तमस, तमस नाम का। मोह से अष्ट विधो भेदा, मोह आठ प्रकार का है, अणिमादि शक्तिर्मोह, ठाकुर ने बोला है कृष्ण के नाम से, कृष्ण अर्जुन तो करे एक भी सिद्धि तेरे पास रहेगी तो ज्ञान नहीं होगा। अब ये योग में पढ़े, इसमें पढ़े, इसमें पढ़े, ये सिद्धि मिले, सिद्धि मिले के संसार में घूमने लग गया वो, इससे आठ प्रकार की सिद्धि, ये मोह नाम का है इसका आठ प्रकार। अब ये गिनना नहीं हमको, माने ये मिलके पचास नहीं हो रहे, पचास से बहुत ज्यादा एक एक के भेद होते रहे। दशविदो महामोह, महामोह दस प्रकार के हैं, दृष्ट अनुश्रविक शब्दादि विशेषु पंचसु, पंचसु अभिनिवेशो महामोह, माने वी आर ऑब्सेस्ड अबाउट व्हाट वी सी, हमें जो दिखता है उसके प्रति हमारा जो मामो है, और सुनते हैं स्वर्ग में ऐसा होता है उसके प्रति, और सुनाई पड़ता है ऐसा, ये गाना अच्छा है, वो गाना अच्छा है, ये चक्र चलने लगा, ये सुंदर दिख रहा है, वो सुंदर दिख रहा है, चक्र चलने लगा, और इमेजिन करके स्वर्ग में भी ऐसा दिखता है, वो भी चलने, स्वर्ग में स्वर्गीय संगीत होता है, वो भी चक्र है। कभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय है इस दुनिया में और स्वर्गीय, वो सारे हमारे महामोह है, उससे हम इतने अधिक ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अभी दृष्ट अनुश्रविक वेदन देशम दशविक, समझ गए कि देखे मैंने प्रत्यक्ष पांच और स्वर्ग के पांच, इसलिए दस।
तमिश्रो अष्टादश विधा, तमिश्रो जो 18 प्रकार का है। दृष्ट अनुश्रविकेशु दशसु विशेषु अष्टविधेर ऐश्वर्य प्रयतमानस्य तद असिद्धौ यः क्रोध स तमिश्र अभिधीयते। ये 10 विषय और 8 हमारे सिद्धियां, इनके लिए कोशिश कर रहे आदमी, नहीं होता है ना चक्र का निर्णय। ये जब नहीं कर पाता है तो वो महामोह, वो उसको तमिश्र कहते हैं, और नहीं होने पर जो क्रोध आता है उसको तमिश्र कहते हैं। उसके बाद अंध तमिश्र, अंध तमिश्र अपनी अष्टादश विधा, वो भी 18 प्रकार का है। अष्टविध ईश्वर दशसु विशेषु भोग्यत्वेन उपस्थितेषु अर्धभुक्तेषु मृत्युना रियमाणसि ये शोको जायते महता क्लेशेन एते प्राप्ता न च एते मयोपभोक्ता प्रत्यासन्नश्च अयम् मरणकाल इति सो अंधतामिश्र इति उच्यते। ये जो 18 प्रकार के भोग हैं ये मुझे मिल रहे थे, मिलने वाले थे, मरना क्या मेरा, मैं भोग नहीं कर पाया। ये जो शोक है मेरा, नहीं मिलने पर क्रोध होता है, वो 18 चीजें प्रयत्न कर रहा है, न मिलने पर क्रोध हो जाता है। 18 चीजें मिल गई मुझे पर भोग नहीं कर पाया, मरना गया। 18 अलग अलग है, ये नहीं मिल पाया इसलिए, वो नहीं मिल पाया इसलिए, वो अंधता मिश्र हो गया। ये विपर्य के भेद बता दिए। विपर्य 5 प्रकार के बताए और वो 5 में से इतने हजारों किस्म के बताए, ये विपर्य के भेद बता दिए। अब अशक्ति न कर पाना, अष्टाविंशतिधा उच्यते, 28 प्रकार की एकादश इंद्रियाणी इंद्रियाणाम अशक्तयो, 11 इंद्रियों की अशक्ति दुर्बलता, जैसे गूंगा है, बहरा है मेरे जैसा, अंधा है, प्रबुद्धि हो बाह्य, ये बाहर के हो गए। अंतकरण से पुरुषार्थ योग्यता दुष्टि नाम विपरेण अंतकरण की पुरुषार्थ योग्यता के उल्टा नवदा अशक्ति है। अंतकरण में मन में जब कोई चीज मिल जाएगी, नहीं मिलती वो अशक्ति है। सिद्धि नाम विपरीण अष्टता अशक्ति, वो ये अशक्ति हो गई। कितने प्रकार की बताई थी, लिखा है तुम लोगों ने, अशक्ति 28 प्रकार की, ये गिना दी इन्होंने अभी। हाँ, एकादश इंद्रियों की अशक्ति, अंतकरण की 9 प्रकार की अशक्ति, तुष्टि 9 प्रकार की, इसके उल्टा सैटिस्फैक्शन। प्रकृति उपादान काल भाग्याख्या चतस्रा, प्रकृति उपादान काल और भाग्य नाम वाली 4 प्रकार की तृप्ति है। जो 5 विषयों से उपरति हो जाने पर होती है, मन
जब मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए होता है ना, वही तो दुष्टि का कारण होता है, संतुष्टि का। कश्चित प्रकृति परिज्ञानात कृतार्थ अस्मिति मन्यते, प्रकृति का अच्छा ज्ञान हो गया तुमको, मिल तो नहीं गई वो, पर कोई स्वस्थ मिल गई मुझे प्रकृति, वो तृप्ति होती है, जान लिया मैंने प्रकृति ऐसी होती है, इसी से तृप्ति हो जाती है उसको। अन्य पुनः पारिव्राज्य लिंगम गृहीत्वा कृतार्थ अस्मिति मन्यते, समझा, दूसरा कोई सन्यासी बन गया कि लगता हो गया पा गया, सन्यासी हो गया भी नहीं बोल रहे हैं, जो लिंगम गिरुआ कपड़े पहन लिए कि लगता हो गया। अपरा पुनः प्रकृति परिज्ञान किम आश्रमादि उपादान वा किम भवना काले न अवश्य मुक्तिर भवति इति मत्वा परितोष्यति। दूसरा सोचता है कि अरे क्या प्रकृति का ज्ञान की जरूरत है, क्या सब उपादान है, संन्यास से क्या है, मेरी मुक्ति तो कभी ना कभी होगी ही ना, हर एक जीव की कभी ना कभी मुक्ति होने वाली है, तो होगी ना मेरी, क्यों प्रयत्न करने, ये तुष्टि। संसार चक्र चलाने का यार है। कश्चन पुनर्मन्यते विना भाग्य न किंचित प्राप्य थे, यदि मम भाग्यम अस्ति तो भवति एव अतरेव मोक्ष इति परितुष्य। दूसरा कहता है कभी न कभी होगी नहीं, भाग्य होगा, भाग्य होगा तो भी, लेकिन नहीं भाग्य होगा तो नहीं मिले, ये तुष्य तृप्ति हो जाती है उसकी। क्रिकेटर लोगों के आपस की बात है, तेंदुलकर वगैरह क्या बोले सेंचुरी कर ली तुमने, अरे मेरे भाग्य में लिखी थी सेंचुरी, इसलिए कर पाया, नहीं तो नहीं होती। मैंने वो डिस्टर्ब नहीं होते, नहीं सेंचुरी भाग्य में नहीं लिखी थी, भाग्य में लिखी होती तो मिल जाती, इसलिए ये तृप्त हो गए। लेकिन ये लोग ऐसे दुनिया में क्या वर्णन कर रहे हैं, फोड़ के अरे ये माया चक्र घूम रहा है। विषयाणाम अर्जनम अशक्ति इति उपरम्य तुष्यति, अरे विषय भोग हो ही नहीं सकते रे, इसलिए तृप्त हो गया। कितने विषय कोई कमाएगा, नहीं हो सकता मेरे से, हो गया तृप्त हो गया उसमें। शक्य मत है द्रष्टुम अर्जितुम अर्जितस्य रक्षणम अशक्यमिति उपरम्य तुष्यति, कोई सोचता है कि वस्तुएं मिल तो सकती है और उसको रखना मुश्किल है, तो चिरा ले जाएगा, कहाँ चली जाएगी, छोड़ो, हो गया मित्र। मन कितने प्रकार से घूम, सातिशयत्वादि दोष दर्शनेन उपरम्य पराय तुष्यति। बंगाली में कहते हैं बाबा रो बाबा आज, अरे कितना कमाऊंगा, टाटा का तो मेरे से ज्यादा रहेगा, बिरला का मेरे से ज्यादा रहेगा, आजकल अडानी का मेरे से ज्यादा रहेगा, छोड़ो, ऐसे करके तृप्त हो जाते। विषया सुतराम एवं अभिलाषम जनयंती न च तद भोगा कासे तृप्ति रूप जायते। विषय अगर भोग करता है कोई तो और उसकी तृष्णा बढ़ाते रहते हैं, विषय भोग से कोई तृप्त नहीं हो सकता। जातु काम कामानाम उपभोगेन शम्यति हविषा कृष्ण वर्तमे व भूये वा विवर्धते, वो श्रीमद भागवत का वो पूर्व रवाना किसका देखा वचन है, 1000 साल भोगने के बाद भी कहता है कि कुछ नहीं होता, भोगने से नहीं होता कुछ। इति तस्मात अलमने न पुनः पुनः असंतोष करणे न कारणे न उपभोगे न इति एवं संग दर्श दोष दर्शनाद उपरम में कश्चित दोष। छोड़ो, भोग करने से तो कुछ होता नहीं है, छोड़ दो यही पर, ऐसा तृप्त हो जाता। न अनुपरत्य भूतानि उपभोग संभवति, समझा,
पशु की हिंसा के बिना भोग नहीं मिलता हमको मांसाहारियों को, क्या लौकी कद्दू ये भी तो मारने पड़ते हैं। तो भी रोज नहीं मारता, भूतों पर गात भोगा न च अधर्महा, अधर्मा नरक आदि प्राप्ति रीति हिंसा दोष दर्शनात् कश्चित् परमेत। हिंसा करना तो नरक में जाना है, मुझे नहीं करना है। एक छोटी लड़की से मैंने बताया ना, वीडियो आया था, दूसरी बार भी आया था, और मैं सेव नहीं कर पाया। एक छोटी बच्ची हमारे देश की नहीं है, प्रदेश की, कोई सामने दिख नहीं रहा, पर उसकी माँ या बाप से बात कर रही, मैं एनिमल नहीं खा सकती। मैंने क्या खाएगी, जो दोगे खाऊंगी पर एनिमल नहीं खाऊंगी। कहते क्यों, अरे तुम एनिमल को तलते हो ना, ओके उसको अच्छा लगता है क्या, मैं नहीं खाऊंगी। फिर पूछते कोई फिश खाएगी, क्योंकि जैसे फिश एनिमल होता है क्या, ना होता है तो नहीं खाऊंगी। ऐसी सुंदर बात चल रही, बार बार पूछते फिर तो खाएगी क्या, बोले दो दोगे वो खाऊंगे ना, एनिमल नहीं खाऊंगी, कष्ट नहीं होता उनको। ऐसी बात है, यार चश्मा ने भेजा था पहली बार मुझे, दूसरी बार फिर ऐसा आ गया था। यहाँ प्रकृति उपादान काल भाग्याश्च तस्रा, तुष्टे थी नव तुष्टे हो क्या था, बोले हो गए, हमने चार और पांच नौ बता दिए। अब सिद्धियां आठ हैं, सिद्ध अभिधीयते ऊहा शब्दो अध्ययनम इति तीसरा। पहले नाम गिना करके फिर अर्थ बता रहे हैं, वह शब्द अध्ययन ये तीन, और दुख विघात तीन, सुरुत प्राप्ति दानम इति दो, ये आठ है। ये अनिमल की सिद्धि नहीं, अलग सिद्धि है। वह सत्व जिज्ञास मानस्य उपदेश मंत्रेण जन्मांतर संस्कार प्रकृत्यादि विषय ज्ञान उत्पद्यते सायम वो नाम प्रथमा सिद्धि। किसी ने कुछ सिखाया नहीं पर पूर्व जन्म से उसको कुछ ज्ञान हो जाता है, ये वह नाम की सिद्धि है। शब्दो नाम अभ्यास अंतरेण श्रवण मात्र यद ज्ञान उत्पद्य सा द्वितीय सिद्धि, यानी बार बार नहीं किसी को बताना पड़ता, श्रवण मात्र जैसे नहीं कर एक बार सुन दिया कि समझ जाता है, वो एक प्रकार की सिद्धि। अध्ययनम नाम शास्त्राभ्यासादि यद ज्ञानम उत्पद्यते सा तृतीय सिद्धि, पढ़ पढ़ के फिर कोई समझ जाता है, वो उसकी तीसरी प्रकार की सिद्धि हो गई। जन्म से सिद्ध होना, एक बार सुनने से सिद्ध होना, बार बार सुनने से सिद्ध होना। आध्यात्मिक से अधिभौतिक से अधिदैविक से त्रिविध दुख रूप विदासान शीतोष्णादि जन्म दुख सहिष्णु तितिक्षोर यद ज्ञानम उत्पद्यते तस्य आध्यात्मिकादि भेदा सिद्धि त्रैविद्यम। आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक इन त्रिविध दुखों की उपेक्षा करने से शीतोष्णादि जनित दुख सहन करने वाले को जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो दुख विघात नाम की सिद्धि है। आध्यात्मिक भेद से इसके तीन भेद है, मैंने आध्यात्मिक दुख हो रहे हैं और उसको वो नहीं मानता कुछ भी, तो उसको ज्ञान हो जाता है, अधिभौतिक से हो जाता है, अधिदैविक से हो जाता है, ये नौ सिद्धि।
सुहृदं प्राप्य वा या सिद्धिर्थ ज्ञान से सुहृद प्राप्तिर नाम सिद्धि। अच्छा दोस्त मिलने से ज्ञान हो जाता है किसी को, इसलिए वो सुहृद प्राप्ति यही सिद्धि है। आचार्य हित वस्तु प्रदान वा सिद्धि विद्याया सा दानम नाम सिद्धि। आचार्य को जो चाहिए वो दो फिर तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, ये एक सिद्धि है। एवं अष्टविधा सिद्धि व्याख्याता है, तो आठ प्रकार की सिद्धि ये बता दी हमने, कह रहे ठीक है गिन लो छोड़ दो। एवं विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्धा क्या पंचाशत प्रत्यय वेदा व्याख्याता। ये 50 प्रकार के आ रहे स्पोक्स हैं, ये चक्र को आगे चलाते रहते हैं। एवं ब्रह्म पुराणे कल्पोपनिषद व्याख्यान प्रदेशे षष्ठीतमाध्याये पंचाशत प्रत्यय वेदा प्रतिपादित। ये आचार्य कह रहे मैंने अपने दिमाग से नहीं निकाले, ब्रह्म पुराण में मुझे मिले। ब्रह्म पुराण में कल्पोपनिषद नाम के एक पार्ट है, व्याख्यान प्रदेश है, जिसके 60वें अध्याय में ये 50 प्रकार के प्रत्यय भेद उसमें बताए हैं। अथवा और ये 50 भेदों का आर्य का अथवा है। पंचाशत शक्ति रूपिणा इति परस्या शक्तिया पुराणे स्वरूपत्वेन अभिगता अभिमता पंचाशत शक्तिया अराइव यस्यतम शतरधारण। भगवान को बोला है उनके पास 50 शक्तियां हैं, वो उनकी शक्तियां अरे के समान चक्र को चलाती। बस करो हैं और पढ़ना है, टाइम है। ठीक है पढ़ लो मंत्र पूरा कर। विंशति प्रत्यय अभी बी जो है वो काउंटर स्पोक्स। विंशति प्रत्यय दश इंद्रियाणी तेषां च विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध वचन आदान हिरण उत्सर्ग आनंद पूर्वोक्तानां अराणां प्रति अरा ये प्रतिविधीयन्ते कीलक अराणां धारणे ये प्रत्यय इति उच्यते। ये स्पोक्स को पक्का करने के लिए काउंटर स्पोक्स लगाए जाते हैं। तो 10 तो हमारी इंद्रिया और 10 उनके विषय, ये स्पोक्स है। तो विषय गिनाए कर्म इंद्रियों के। उसके बाद है कि अष्टकई षडवी आठ आठ के ग्रुप के 6 युक्तम इति योजनीयम, उसमें वो जोड़ लो। युक्तम इति माने ये 6 प्रकार के आठ आठ जोड़े हुए हैं। भूमिरापो नलो वायु खमनो बुद्धिर एव च अहंकार इति में बिना प्रकृति अष्टधा इति प्रकृति अष्टकम, ये पहला अष्टक हो गया। वक् चर्म मांस रुधिर मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातु अष्टकम। शरीर में 8 प्रकार के धातु होते हैं मालूम ना, कहीं 7 लिखे कहीं 8 लिखे, यानी चमड़े के 2 रूप बताए हैं जिससे हमको ठंडा गर्म का ज्ञान होता है, वो बाहर का चमड़ा और जो शरीर को कवर किए हुए वो भीतर का चमड़ा है। लो तो चर्म पहले ही शुरू करें, चमड़ी चर्म चमड़ी मांस रुधिर मेद अस्थि मज्जा शुक्राणि धातु अष्टकम। अणिमादि ऐश्वर्य अष्टकम, अणिमादि ऐश्वर्य 8 अष्टक है। इनके प्रति अटैचमेंट जो है ना संसार को घुमाती है। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य रूप अष्टकम। धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य और इनके उल्टे 4 ये भाव रूप में अष्टक है।
ब्रह्मा प्रजापति देव गंधर्व यक्ष राक्षस पितृ पिशाचा देवाष्टकम्। ब्रह्मा प्रजापति देवता गंधर्व यक्ष राक्षस पितर और पिशाच ये अष्टक हो गया। अष्ट आत्मगुण ज्ञेया दया सर्वभूतेषु शांतिर अनसूया शौचम अनायासो अमंगलम अकार्पण्य अस्पृहा इति गुणाष्टकम श्रेष्ठम। ये छह जो है ना गुण, सभी भूतों को क्षमा करना, जलसी न करना इत्यादि इत्यादि, ये छठा अष्टक है। ये दी षडवीर होता, ये छह प्रकार के अष्टक जुड़े हुए उस वीर में, वजन डालने से और गति बढ़ती है उसकी। विश्वरूप एक पाशम स्वर्ग पुत्र अन्नादि आदि विषय भेदाद विश्वरूप। विश्वरूप माने अलग अलग प्रकार के रूप। स्वर्ग में जन्म की इच्छा होती है, पुत्र की इच्छा होती है, अन्न खाना है, ये विषय भेद अलग प्रकार के। विश्व रूपा एका कामा क्या पाश, इन सबके प्रति जो डिजायर है वो पाश है। विश्व रूपे का पाश धर्म धर्म अज्ञान मार्ग भेदा असिद्धि। तीन रास्ते हैं, कोई पुण्य के रास्ते पर चलता है, कोई पाप के रास्ते पर चलता है, और कोई ज्ञान अज्ञानी है। यहाँ पर ज्ञान के मार्ग में स्पिरिचुअलिटी जो है वो अच्छे बुरे से अलग है। कोई पुण्य के, कोई पाप के रास्ते पर कोई चलता है, कोई भगवान के लिए चलता है। ये तीन मार्ग हैं। द्वयो पुण्य पापयो निमित्त मोह देहेन्द्रिय मनोबुद्धि जात्यादिषु अनात्मसु आत्माभिमानो अस्ति द्विर्निमित्त मोह। एक मोह, मोह एक ही है और वो दो प्रकार का होता है। पुण्य के लिए मोह होता है, किसी का पाप के लिए मोह हो जाता है। वो देह इंद्रिय मन बुद्धि इन सब में जो अनात्मा चीजों में आत्माभिमान वो है मोह, और ये दो प्रकार का होता है। पुण्य कराते किसी से पाप कराते। अपश्यन नीति क्रियापद हम अनुवर्तते, तीसरे मंत्र का अपश्यन क्रियापद यहाँ पे लगा लो। अधीम इति उत्तर मंत्र सिद्धम वा क्रियापद, या अगले मंत्र में जो अधीम आने वाला है शब्द उसको इसमें क्रियापद के रूप में लगा दो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।